अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ एपिलेप्सी डिवेलप इन आवर बॉडी एंड वी विल डिस्कस अबाउट ड्रग यूज इन एपिलेप्सी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट एपिलेप्सी एंड देयर मेन टाइप्स एंड इन सेकेंड पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट हाउ एपिलेप्सी डिवेल्प एंड देयर फार्माकोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाउ एपिलेप्सी डिवेल्प इन आवर बॉडी। So, how epilepsy develop? Epilepsy develop due to the increased duration of depolarization. Depolarization is the state in which a sodium ions moves inside of the neuron and produce excitation in neurons. ठीक है, जब इसका duration depolarization का increase हो जाएगा तो इसकी वजह से epilepsy develop होगी। इसके बाद जो है वो आता है कि जब increase sudden rush of action potential, मतलब जब action potential का sudden rush हो जाएगा neurons में और उसकी duration भी increase हो जाएगी तो एपिलेप्सी डिवेल्प होगी। आफ्टर दैट एक्टिवेशन ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर, मतलब जब एनएमडीए रिसेप्टर की एक्टिवेशन होगी तो इसकी वजह से भी डीपोलराइजिंग का रिस्पांस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एनएमडीए रिसेप्टर इज अ रिसेप्टर ऑन विच कैल्शियम आइंस मूव्स इन साइड ऑफ द न्यूरोन। ठीक है, एनएमडीए रिसेप्टर पर कैल्शियम आइंस बाइंड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डीपोलराइजिंग का रिस्पॉन्स हमें प्रोड्यूस होता है। आफ्टर इसके बाद आ जाता है कि ग्लूटामेट मस्ट अनडाउटेडली पार्टिसिपेट इन द एपिलेप्टिक डिस्चार्ज, मतलब जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट जो होता है वो एक मेन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो एपिलेप्टिक की डिस्चार्ज इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से एक्साइटेशन इंक्रीज हो जाती है और एपिलेप्टिक डिस्चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पोटेशियम स्टिमुलेटेड ग्लूटामेट रिलीज इज ऑल्सो इंक्रीज इन एपिलेप्टिक फोकस कंपेयर्ड विद इन नॉर्मल टिश्यू। मतलब जो पोटेशियम स्टिमुलेट, मतलब जो पोटेशियम होता है वो स्टिमुलेट करवाता है ग्लूटामेट के रिलीज को, मतलब ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को पोटेशियम स्टिमुलेट करवाता है और जिसकी वजह से एपिलेप्टिक का फोकस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू। मतलब वहां पे नॉर्मल डिस्चार्ज ज्यादा होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से जो नॉर्मल टिश्यू एज जो एपिलेप्टिक फोकस है वो इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल टिश्यू। सो इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, मतलब हम एपिलेप्सी को ट्रीटमेंट कित डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। इसमें हम कुछ टाइप्स की मॉड्यूलेशन करेंगे न्यूरॉन्स में जिसकी वजह से हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन जो मॉड्यूलेशन आ जाती है वो है वोल्टेज गेटेड सोडियम कैल्शियम एंड पोटेशियम चैनल से। मतलब हम सोडियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल एंड पोटेशियम इनकी मॉड्यूलेशन करेंगे, मतलब इनको इनहिबिट करवाएंगे क्योंकि ये एक्साइटेशन कॉज करते हैं और जिसकी वजह से ये एपिलेप्टिक अटैक होते हैं, तो हम इन सब चैनल्स को इनहिबिट करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे कि इन्हेंसमेंट ऑफ फास्ट गाबा मीडिएटेड साइनेप्टिक इनहिबिशन, मतलब कि अब हम जो गाबा, एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो हम गाबा को इन्हेंसमेंट करवा देंगे ताकि इनहिबिशन भी अकर हो, सिर्फ एक्साइटेशन ना हो इनहिबिशन भी हो, क्योंकि एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम गाबा के मीडिएटेड साइनेप्टिक इनहिबिशन को इन्हेंस करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि हम मॉड्यूलेशन करवा देंगे साइनेप्टिक रिलीज में। साइनेप्टिक रिलीज मतलब कि जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो साइनेप्स में जाके रिलीज होता है, तो अब हम उसको जो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो तो हम उसकी मॉड्यूलेशन करवा देंगे। इसके बाद हम करेंगे कि डायमिनिशन ऑफ फास्ट ग्लूटामेट मीडिएटेड एक्साइटेशन, मतलब जो ग्लूटामेट है वो एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो हम उसको ही इनहिबिट करवा देंगे ताकि एपिलेप्सी का अटैक जो होता है वो इनहिबिट हो जाए। तो एपिलेप्सी का जब अटैक इनहिबिट होगा तो इसका मतलब हम ट्रीटमेंट एपिलेप्सी का कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्सी, मतलब कि हम एपिलेप्सी को किस तरह से क्लासिफाई करेंगे। ये हम डिफरेंट चैनल्स को ब्लॉक करेंगे तो उसकी वजह से एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट अकर होगा, जिसमें आ जाता है कि गाबा एक्टिविटी के थ्रू, जो गाबा एक्टिविटी को जब हम इन्हेंस करेंगे तो उसमें जो ड्रग्स आ जाती हैं वो वेलप्रोइक एसिड आ सकते हैं, वेगाबैट्रिन, गैबापेंटिन, बेंजोडाइजपिन एंड बारबिट्यूरेट। अगर हम कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे तो इसमें इथोसक्सिमाइड आ जाएगा। अगर हम सोडियम चैनल की एक्टिविटी ब्लॉक करेंगे तो इसमें लिमोट्रिगिन, ऑक्सकार्बाजेपिन, कार्बामाजेपिन एंड लेकोसामाइड एंड फेनेटोइन आ जाएगा। अगर हम ग्लूटामेट के रिसेप्टर को इनहिबिट करवाएंगे तो पैरमपैनल एंड फेल्बामेट के जो ड्रग्स हैं वो हम यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लास बेंजोडाइजेपिन्स, जो गैबा की एक्टिविटी को
गबा की एक्टिविटी को इन्हेंस करवाता है, और गबा जो है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जब ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो इसकी वजह से जो फायरिंग रेट होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के फायरिंग रेट को कम कर देगी। ठीक है, अब बेंजोडाइजेपिन बाइंड टू गबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर पर जाके बाइंड करेगी बेंजोडाइजेपिन, जिसकी वजह से फायरिंग रेट जो होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का वो लो हो जाता है। ठीक है, अब हम इसका एक्शन देखते हैं कि इसमें जो बेंजोडाइजेपिन्स में दो मेन ड्रग्स हैं डायजीपाम और लोराजीपाम, वो ड्रग यूज़ करते हैं हम एज एन एडजंक्टिव थेरेपी। एडजंक्टिव थेरेपी वो थेरेपी होती है जो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को बूस्ट करने के लिए हम देते हैं ड्रग्स, और ये दोनों ड्रग्स यूज़ होती है मायोक्लोनिक के लिए एज वेल एज पार्शियल और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स में यूज़ करते हैं। अब हम इसकी देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। जो लोराजीपाम है उसकी हाफ लाइफ जो होती है वो शॉर्टर होती है, और लेकिन उसका जो ब्रेन में ज़्यादा देर के लिए वो रिटेन रहती है एज़ कम्पेयर टू डायाजीपाम, मतलब लोराजीपाम ज़्यादा देर रिटेन रहेगी हमारे ब्रेन में। अब देखते हैं कि डायाजीपाम जो होता है वो रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन भी हम इसकी कर सकते हैं। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऐसे सपोजिट्री के फॉर्म में हम दे सकते हैं टू अवॉइड और इंटरप्ट प्रोलोंग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स, मतलब लॉन्ग प्रोलोंगड जो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर से बचने के लिए हम देखते हैं डायाजीपाम एज एन एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ड्रग देखेंगे उसमें आ जाता है कार्बामाजीपाम। ये एक सोडियम चैनल्स ब्लॉक करने वाली ड्रग है, उस क्लास में आती है, जिसका मैकेनिज्म है कि ये रिड्यूस द प्रोपगेशन ऑफ अबनॉर्मल इम्पल्स, मतलब जो अबनॉर्मल इम्पल्स जनरेट हो रही थी हमारे न्यूरॉन्स में उसको रिड्यूस करेगी उसके प्रोपगेशन को हमारे ब्रेन में, और वो किस तरह रिड्यूस करेगी बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स, मतलब सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके वो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बाय, और उसके इफेक्ट से प्रोड्यूस होगा इनहिबिटिंग द जनरेशन ऑफ रेपिटेटिव एक्शन, मतलब के जनरेशन ऑफ रेपिटेटिव एक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाएगा, मतलब कि जब हमने सोडियम को ब्लॉक किया तो जो बार बार पहले एक्साइटेटरी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था रेपिटेटिव, वो इनहिबिट हो जाएगा इन एपिलेप्टिक फोकस, मतलब जहाँ पे एपिलेप्टिक का मेन ओरिजिन हो रहा था वहाँ पे एपिलेप्टिक फोकस पे रेपिटेटिव जो जनरेशन है एक्शन पोटेंशियल की वो इनहिबिट हो जाएगी, और उसकी वजह से स्प्रेड भी नहीं होगा, मतलब उसकी वजह से जो एपिलेप्सी का अटैक है वो स्प्रेड नहीं होगा दूसरे और पार्ट्स में। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट आ जाता है कि मतलब किस तरह इसका प्रोसेस होगा। जैसे ये हाइपर पोलराइज स्टेट है, इस डायग्राम में हाइपर पोलराइज स्टेट शो करवाई गई है जिसमें नेगेटिव इनसाइड बहुत ज़्यादा है और आउटसाइड पॉजिटिव ज़्यादा है। ठीक है, हाइपरपोलराइज स्टेट में यही होता है कि कोलोराइडेंस मूव इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन एंड काज ए मोर नेगेटिविटी इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, हाइपरपोलराइज स्टेट के अगर हम एक्टिवेशन कर देंगे, मतलब वो रेस्टिंग स्टेट अब हाइपरपोलराइज अब एक्टिवेट हो गया, तो जिसकी वजह से डीपोलराइज स्टेट प्रोड्यूस होगी। अगर हम डीपोलराइज स्टेट को एक्टिव करेंगे, मतलब उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, तो इसका मतलब वो डीपोलराइज स्टेट तो वहाँ पे इनएक्टिव होगी, जिसके बाद जो स्टेज आएगी वो रिकवरी स्टेज होगी एज कम ऑफ हाइपरपोलराइज स्टेट, मतलब मोर नेगेटिव इनसाइड आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि जो एक्शन क्या है कार्बामाजेपाइन का। कार्बामाजेपाइन जो होती है वो ड्रग जो होती है वो ट्रीटमेंट करते हैं हम पार्शियल सीयर्स के लिए और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर्स में हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका मेन इंडिकेशन जो है वो एक आती है ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया वो मतलब ये एक पेन कंडीशन होती है जो ट्राइजेमिनल नर्व में प्रोड्यूस होती है। ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है वो हमारे फेस से ब्रेन में जाती है, जो हमारी फेस की सेंसेशन होती है उसको डिटेक्ट करके हमारे ब्रेन में प्रोसेस जाके करवाती है और हमें पेन की सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। तो अगर ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होगा तो मतलब जो अगर हमारी पेन की सेंसेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अगर हम टीथ वगैरह या टच करेंगे तो एक अजीब सी पेन अराइज होगी। ठीक है, विच कैरी सेंसेशन फ्रॉम फेस टू योर ब्रेन, और ये हमारे फेस से ब्रेन में जाएगी सेंसेशन पेन की। ठीक है, और इसके दूसरा जो इंडिकेशन वो बाइपोलर डिजीज़ में यूज़ करते हैं।
So bipolar disease is a disease in which sometimes patient feel very excited and sometimes feels very low, and it's also called it as mania. Pharmacokinetics of carbamazepine is that it absorbs slowly, and its absorption varies from generic to generic, and its serum concentration also varies from generic to generic. Okay, so after that we will discuss about that it induces its own carbamazepine, it induces its own drug metabolism and has an active metabolite. मतलब एक इसका ये अपने metabolism को खुद induce करवाती है और इसका एक active metabolite भी होता है, and ये elder patient में tolerate नहीं कर सकती. So other medication use for anti-seizure medication. ठीक है, अब इसका main side effect है hyponatremia. Hyponatremia is a state in which sodium ions very low in our blood. So hyponatremia is the main side effect of carbamazepine, and so we can also change this therapy because hyponatremia cause a serious disease condition. And next drug is felbamate. Felbamate is used as anticonvulsant action, and it has multiple indications. So its mechanism is that it block voltage dependent sodium channels. मतलब जो sodium channels उनको block करती है और compete करती है ग्लाइसिन कोएगनिस्ट के साथ कंपीट करती है. ठीक है, एंड फेल्बामेट जो होती है ड्रग है वो बाइंड करती है एनएमडीए रिसेप्टर के ऊपर, बाइंड करती है जो एनएमडीए रिसेप्टर ग्लूटामेट का रिसेप्टर है जिसके ऊपर जाके बाइंड करती है, और ये ब्लॉक करती है कैल्शियम चैनल्स को भी. इसके बाद आ जाता है कि पोटेंशिएशन ऑफ गाबा एक्शन. इट इज़ एन इनहिबिटरी ऑफ ड्रग. ठीक है, ये इनहिबिटर ड्रग है. मेटाबोलाइज ये की जाती है बाय साइटोक्रोम P2C19 एंड बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ये मेटाबोलाइज होती है, और इट इंड्यूस ये इसका इंड्यूस करती है मेटाबोल ड्रग के मेटाबॉलिज्म को बाय एंजाइम नेम इज साइटोक्रोम P3A4. इट इज रिजर्व फॉर यूज इन रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सीज. मतलब कि ये जो ड्रग है फेल्बामेट इट इज यूज फॉर लिनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम. ये एक एपिलेप्सी है जो चिल्ड्रन में डिवेलप होती है. सो इट्स यूज फॉर लिनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम. सो नेक्स्ट ड्रग इज ऑक्सकार्बाजेपिन. ऑक्सकार्बाजेपिन जो होती है वो क्लोजली रिलेट करती है कार्बाजेपिन के साथ, एंड यूज़फुल फॉर सीयर्स के लिए. मतलब इसे यूज़ करती हैं, बट इट मे हैव एन इम्प्रूव टॉक्सिसिटी प्रोफाइल. लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बाजेपिन. ऑक्सकार्बाजेपिन ये है एक प्रो ड्रग है, और प्रो ड्रग वो ड्रग होती है जो कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्टिव फॉर्म में आफ्टर जब प्रो ड्रग कन्वर्ट हो जाती है इनटू एक्टिव फॉर्म में. सो मतलब फॉर एग्जांपल जो ऑक्सकार्बाजेपिन है ये कन्वर्ट होती है 10-monohydroxy MHD मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये तब एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस करती है. इसकी हाफ लाइफ है 1-2 hours के लिए इसकी हाफ लाइफ होती है, और ये एक्सक्रीट होती है ग्लूकोरोनाइट की मेटाबोलिज्म के थ्रू एक्सक्रीट होती है. इसकी मेटाबोलिज्म होती है और मतलब कि ये फेज टू रिएक्शन में जाके इसकी मेटाबॉलिज्म होती है ऑफ द 10-hydroxy मेटाबोलाइट में. अच्छा, जो ऑक्सीकार्बाजेपिन है ये लेस पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू कार्बाजेपिन के थ्रू एज़ कम्पेयर टू, और इसके क्लिनिकल डोजेज है ऑक्सीकार्बाजेपिन 50% इसका हायर है देन डोज ऑफ कार्बाजेपिन. मतलब इसका क्लिनिकल डोज ऑक्सकार्बाजेपिन का 50% हायर एज़ कम्पेयर टू कार्बाजेपिन टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट सीयर्स कंट्रोल. मतलब इसको हमने 50% हायर डोज में लेना होता है टू गेट इफेक्ट ऑफ एंटी कन्वल्सेंट एक्टिविटी. द ड्रग अपीयर टू इंड्यूस हिपेटिक एंजाइम्स टू अ लेसर एक्सटेंट देन कार्बाजेपिन मिनिमाइजिंग ड्रग इंट्रैक्शन. ये जो ड्रग है वो इंड्यूस करती है हिपेटिक एंजाइम्स को, मतलब हेपेटिक एंजाइम्स को लेसर एक्सटेंट में इसको इंड्यूस करवाती है देन कार्बाजेपिन को जो होती है वो ज़्यादा एंजाइम को इंड्यूस करवाती है, और जिसकी वजह से इसका ड्रग इंट्रैक्शन भी है वो कम होता है. ऑक्सकार्बाजेपिन का जो मेन साइड इफेक्ट है वो हाइपोनेट्रीमिया है ऐसे और कॉमनली है, और देन विद कार्बाजेपिन. ठीक है, मतलब हाइपोनेट्रीमिया जो है वो कॉमन है ऑक्सकार्बाजेपिन के साइड इफेक्ट में. मोस्ट ऑफ द एडवर्स इफेक्ट आर लाइक
द कार्बाजेपिन, मतलब कार्बाजेपिन जो क्लोजली रिलेट करती है उस कार्बाजेपिन के, तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी कॉमनली रिलेट कर रहे होते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका स्किन रैशेज है, मतलब एलर्जीज वगैरह हो सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक है, फीलिंग स्लीपी एंड डिजी एंड टायर्ड, फीलिंग स्लीपी डिजी एंड टायर्ड, ये ऑलमोस्ट ऑल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में ये डिजीनेस का साइड इफेक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये MHD जो होती है, इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से स्प्रेड हो जो एपिलेप्टिक फोकल पॉइंट जो होता है वो स्प्रेड नहीं होता, और नॉर्मल से डिस्चार्ज अब सब्रेड ना हो तो इसका मतलब जो फायरिंग जो होती है वो ज़्यादा एक्सटेंड तक इंक्रीज़ नहीं होती। इट इज़ आल्सो थॉट टू मॉड्यूलेट अ कैल्शियम चैनल्स, और ये जो ड्रग है वो कैल्शियम चैनल्स को भी मॉड्यूलेट करती है, मतलब उसकी भी इनहिबिशन करवाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ड्रग हमारे पास गबापेंटिन एंड प्रीगबलिन। गबापेंटिन जो है वह एक अमीनो एसिड है और ये एनालॉग है, मतलब ये रिलेट करता है गाबा से, दैट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीयर्स, मतलब इट्स नेम इज़ मोस्टली रिलेट टू गाबा रिसेप्टर बट इट्स नॉट हैव मच इफेक्ट एज लाइक अ गाबा, सो इट इफेक्टिव अगेंस्ट पार्शियल सीयर्स के इफेक्टिव है। और इसका जो इंडिकेशन वह स्पास्मोलाइटिक है, मतलब कि स्पास्मोलाइटिक है और इफेक्टिव है एंटी सीयर्स ड्रग में, मतलब इसका इफेक्ट अच्छा है एंटी सीयर्स एक्टिविटी प्रोड्यूस करवाने में। प्रीगबलिन जो है वो एक अनदर गाबा का एनालॉग है जो बिल्कुल रिलेट करता है गाबा पेंटिन के से रिलेट करता है, और ये बोथ जो ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं एंटी सीयर्स एक्टिविटी और एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी इससे प्रोड्यूस होती है। और गाबा पेंटिन प्रीगबलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजली रिजेंबल तो करते हैं गाबा के से, गाबा पेंटिन और प्रीगबलिन, बट ये इसका डू डायरेक्टली ऑन गाबा रिसेप्टर, मतलब इसका एक्ट जो होता है ना एक्शन वो गाबा पे पूरा कम्प्लीटली एक्शन गाबा की तरह नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो रिलेट करता है गाबा से, ठीक है। दे मे हाउएवर मॉडिफाई द स्पेस सिनेप्टिक और नॉन सिनेप्टिक रिलीज ऑफ गाबा, और ये मॉडिफाई करता है सिनेप्टिक सिनेप्टिक जो रिलीज होती है उसको मॉडिफाई करता है, और इसका जो इंक्रीज होता है हमारे ब्रेन में इसका डिस्चार्ज जो होता है गाबा के कंसनट्रेशन का वो हम ऑब्जर्व करते हैं जो पेशेंट ले रहा होगा गबापेंटिन ड्रग, ठीक है। गबापेंटिन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्रेन बाय द एल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर। गबापेंटिन जो होता है वो ब्रेन में जाता है बाय द ट्रांसपोर्टर नेम इज एल अमीनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ओके। सो नेक्स्ट इज दैट गबापेंटिन प्रीगबलिन बाइंड एविली टू अल्फा टू गामा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, मतलब जो गबापेंटिन है ये बाइंड करता है अल्फा टू गामा सब यूनिट के साथ बाइंड करता है जो कि हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम के चैनल्स के साथ, ठीक है। ये सब यूनिट है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स का जिसके ऊपर जाके गबापेंटिन प्रीगबलिन बाइंड करता है टू गामा सब यूनिट के साथ, ठीक है। दिस अपीयर टू अंडरलाइन द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विच इज डिक्रीजिंग कैल्शियम एंट्री विद अ प्री डोमिनेंट इफेक्ट ऑन प्री सिनेप्टिक एंडाइम चैनल, ठीक है। इसका जो मेन मैकेनिज्म है वो डिक्रीज करवा देता है कैल्शियम की एंट्री को इनटू द न्यूरॉन में, न्यूरॉन में इसकी एंट्री कम होगी कैल्शियम की, ठीक है, और एंड टाइम चैनल, और जिसकी वजह से जो प्री डोमिनेंट इफेक्ट हो जाएगा ऑन प्री सिनेप्टिक एंड टाइम चैनल्स पर, ठीक है। अ डिक्रीज इन द सिनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट प्रोवाइड द एंटी, अच्छा अगर हम सिनेप्टिक रिलीज ग्लूटामेट की सिनेप्टिक रिलीज को कम करवा देंगे तो इसके थ्रू भी हमें एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट मिलेगा। अब गबापेंटिन और प्रीगबलिन जायर के बाइंड करेगा अल्फा टू गामा सब यूनिट है ये वाला इसका, ठीक है। इसके ऊपर जाके गबापेंटिन प्रीगबलिन जाके बाइंड करेंगे जो कैल्शियम यहाँ पे अंदर आ रहा था उसको इनहिबिट करवाएंगे, ठीक है। जब कैल्शियम इनहिबिट होगा तो इसका मतलब डीपोलराइजिंग स्टेट ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स गबापेंटिन प्रीगबलिन की है कि गबापेंटिन जो है वो मेटाबोलाइज होता है, इज़ नॉट मेटाबोलाइज एंड डज नॉट प्रोड्यूस, ये हेपेटिक एंजाइम को इंड्यूस तो नहीं करवाता, लेकिन जो प्रीगबलिन है वो मेटाबोलाइज इंटायरली एक्सक्रीटेड, और ये मतलब मेटाबोलाइज तो नहीं होता और अनचेंज होता है, मतलब एक्सक्रीट होता है इनटू द यूरिन में अनचेंज फॉर्म में, और इसकी हाफ लाइफ है 5 to 8 hours गबापेंटिन की, और हाफ लाइफ प्रीगबलिन की 4.5 to 7 hours, और हाफ लाइफ है प्रीगबलिन की है 4.5 to 7 hours तक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी मेन ड्रग आ जाती है वो आती है लकोसामाइड।
लकोसामाइड जो है वो एक अमीनो एसिड रिलेटेड कंपाउंड है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर टाइप है वो रिलेट करता है लकोसामाइड का अमीनो एसिड से। दैट हैज़ बीन स्टडी बोथ पेन सिंड्रोम एंड पार्शल सीयर्स में, मतलब इसमें इसको मेनली स्टडी किया जाता है पेन सिंड्रोम में और पार्शल सीयर्स में, ठीक है। दीज ड्रग्स आर गिवन टू 16 to 17 ईयर्स ओल्ड पेशेंट विद मे बी ओल्डर, मतलब यहाँ तक के 16 to 17 ईयर्स ओल्ड के पेशेंट्स को हम ये दे सकते हैं। और इसकी डोजेज है, इफेक्टिव डोजेज की 200 to 400 मिलीग्राम है, ठीक है। द ड्रग इज़ टिपिकली एडमिनिस्टर ट्वाइस डेली बिगनिंग विद 50 मिलीग्राम से इंक्रीज है। अच्छा, अगर हम ये ड्रग लेंगे तो इसको जब हम एडमिनिस्टर करेंगे तो वो हम मतलब शुरू में हम इसे 2 दफ़ा लेंगे दिन में और स्टार्ट करेंगे 50 मिलीग्राम से, ठीक है, और फिर हम इंक्रीज़ करेंगे 100 मिलीग्राम इंक्रीमेंट्स, मतलब वीकली हम इसे फिर इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कि जो इंट्रावीनस फार्मूलेशन है प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट ऑफ द ओरल ड्रग, मतलब जो हम इंट्रावीनस अगर इसकी फार्मूलेशन लेंगे तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रिप्लेस हो जाएगी ओरल ड्रग, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हम देंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये स्लो इनएक्टिवेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की, सो लोली एक्टिव, स्लोली जो इसकी इनएक्टिवेशन करवाएगा सोडियम चैनल्स की और इसको बाइंड करवा देगा कोलैप्सिंग रिस्पॉन्स मीडिएटर प्रोटीन CRMP, एक 2 प्रोटीन है जो जिसके साथ ये बाइंड होगा लकोसामाइड और ब्लॉक करेगा न्यूट्रोफिक फैक्टर को ब्लॉक करेगा। न्यूट्रोफिक इफेक्ट वो फैक्टर्स वो होते हैं जो ये स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं ग्रोथ को, सर्वाइवल को और डिफरेंशिएशन को, बोथ डेवलपमेंट मेच्योर न्यूरॉन्स की ग्रोथ को सर्वाइवल को इनिशिएट करवाता है। ये न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर ये इनिशिएट करवाते हैं सच एज BDNF एंड NDN एक्सोनल डेंड्रिटिक ग्रोथ। BDNF और NT3 जो है वो एक न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा एक्सोनल डेंड्रिटिक ग्रोथ को, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, डिप्लोपिया। बायोअवेलेबिलिटी इसकी 100% है और पीक कंसंट्रेशन अक्कर होती है इसकी 1 to 4 आवर्स के बाद इसकी पीक कंसंट्रेशन अवेलेबल होगी आफ्टर अगर हम लेंगे ओरल, ठीक है। और इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ है 13 आवर्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग है लेमोट्रिगिन। लेमोट्रिगिन जो है ये अफेक्टिव ड्रग है फॉर मतलब मैक्सिमम जो टाइप्स हैं सीयर्स के वो लेमोट्रिगिन से ट्रीट हो जाती है, जिसमें पार्शल सीयर्स आ जाता है, जनरलाइज सीयर्स आ जाता है, टिपिकल अब्सेंस सीयर आ जाता है और लिनोक्स गैस्टर्ट सिंड्रोम में भी इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। या कोई भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीयर्स में मेनली लेमोट्रिगिन यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर यूज़ इन बाइपोलर डिजीज डिसऑर्डर में भी इसे यूज़ करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने पहले भी बताया कि ये वो डिसऑर्डर है जो सडन एक्साइटेशन और सडन डिप्रेशन कॉज करवाता है, ठीक है। लेमोट्रिगिन जो है मेटाबोलाइज होती है टू द एंड टू ग्लुकुरोनेट में से मेटाबोलाइज होती है, UGT पाथवे यूज़ करती है और ये phase 2 का मेटाबोलिज्म यूज़ करती है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोरोनेटेशन अक्कर होती है। लेमोट्रिगिन जो होती है इसकी डोजेज है वो इसकी कम रखनी चाहिए। जब अगर हम वेलप्रेट को ऐड करेंगे तो वेलप्रेट जो होती है ना वो बूस्ट करवा देती है लेमोट्रिगिन की सीरम कंसंट्रेशन में, इसकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है अगर हम देंगे वेलप्रेट लेमोट्रिगिन के साथ, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट में आ जाता है डिजीनेस, हेडेक, नोजिया और सोमनोलेंस और स्किन रैश, मतलब एलर्जीज वगैरह आ जाती हैं और रैश कंसिडर्ड हम करेंगे टिपिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसका होगा एलर्जीज में, ठीक है। और इसकी प्रोटीन बाइंडिंग है 55%, मतलब इसकी मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है, जिसकी वजह ये स्लोली रिलीज होगी हमारे ब्लड से, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ है लेमोट्रिगिन की 24 आवर्स नॉर्मल वॉलंटियर्स में और ये कम होती जाती है 13 to 50 आवर्स में पेशेंट में जो एंजाइम मतलब कुछ पेशेंट्स एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स भी ले रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी हाफ लेंथ 13 to 15 आवर्स तक रह जाती है। वैसे ये 24 आवर्स के लिए होते हैं, लेकिन अगर एंजाइम इंड्यूस हो जाए तो इसकी 13 to 15 आवर्स तक रह जाएगी। और इसकी डोजेज हम यूज़ करेंगे 100 to 300 मिलीग्राम्स, ठीक है। अगर इसका लेमोट्रिगिन का मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये है तो सिमिलर टू फेनेटोइन और ये सप्रेस करती है रैपिड फायरिंग न्यूरोन्स की रैपिड फायरिंग
लेमोट्रिजिन जो है ये सप्रेस करती है रैपिड फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स को, मतलब न्यूरॉन्स की जो फायरिंग है उसको सप्रेस करेगी और प्रोड्यूस करवाएगी वोल्टेज एंड यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल्स। अच्छा, ये फायरिंग को कम करेगी और सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करेगी, ठीक है। दिस एक्शन प्रोबेबली एक्सप्लेन लेमोट्रिजिन एफिकेसी इन फोकल एपिलेप्सी, मतलब ये मेनली हम यूज़ करते हैं फोकल एपिलेप्सी में। फोकल एपिलेप्सी वो होती है जो एक फोकस पॉइंट पर जो स्प्रेड नहीं होती, ठीक है। इट अपीयर्स लाइक दैट लेमोट्रिजिन ऑल्सो इनहिबिट वोल्टेज कैरियर कैल्शियम चैनल, मतलब ये सोडियम चैनल्स को भी ब्लॉक करेगी और कैल्शियम चैनल्स को भी लेमोट्रिजिन ब्लॉक करेगी। लेमोट्रिजिन जो है वो एक और इसका यूज़ है वो ये कि ये डिक्रीज द सिनेप्टिक रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, मतलब जो ग्लूटामेट का रिलीज है उसको भी इनहिबिट करवाने की कोशिश करेगी लेमोट्रिजिन ड्रग, ठीक है। इसके बाद जो ड्रग हमारे पास लेमोट्रिजिन है, इसमें ये बताया हुआ है कि लेमोट्रिजिन जो है वो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है कि जो एपिलेप्टिक न्यूरॉन है एस्पार्टेट एक्सेस रिलीज, मतलब जब ग्लूटामेट बहुत ज़्यादा एक्सेस में रिलीज होगा तो जो स्टिमुलस होगी वो रिपीटेड, मतलब जो स्टिमुलस उसमें सोडियम आयंस रिपीटेटिवली मूव करेंगे इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और जिसकी वजह से जो ग्लूटामेट है वो उसकी भी रिलीज ज़्यादा हो जाएगी। जब ग्लूटामेट का रिलीज ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब जो सीयर्स है वो आने शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर इसका अगर इसका दूसरी तरफ यह है कि अगर हम जो ग्लूटामेट है इसकी मतलब इनहिबिट करवाने की कोशिश करें तो जो स्टिमुलस आएगी वो सोडियम का तो इन्फ्लक्स जो आएगा वो ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लूटामेट की भी रिलीज कम हो जाएगी और जिसकी वजह से सीयर्स का इफेक्ट हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल स्टिमुलेशन हो जाएगी और सीयर्स भी नहीं प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद हमारी लास्ट ड्रग है लेविट्रिसिटम, जो ये एक जो ड्रग है वो एडजंक्ट थेरेपी में यूज़ होती है जिसमें इसके मेन जो टाइप्स है वो यूज़ होगी फॉर पार्शियल ऑनसेट सीयर्स के लिए, मायोक्लोनिक सीयर्स के लिए, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीयर्स के लिए, चिल्ड्रन में और अडल्ट में हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यह है कि ये बाइंड करेगी सिलेक्टिवली टू द सिनेप्टिक वेसिकुलर प्रोटीन के साथ, ये बाइंड करती है और प्रोटीन का नाम है SV2A। ये प्रोटीन होती है वेसिकल्स जिसमें ग्लूटामेट रिलीज स्टोर हो रहा होता है उस वेसिकल्स के अराउंड उसकी वॉल में लेविट्रिसिटम ये जो प्रोटीन है SV2A वो होती है। तो जो अगर हम जो लेविट्रिसिटम ड्रग लेंगे तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी SV2A जो हमारे ग्लूटामेट की वॉल वेसिकल के वॉल में होगा। तो जब वो बाइंड इसका मतलब कि वहाँ से ग्लूटामेट रिलीज़ नहीं होगा और इसका फंक्शन ये है कि इट इज़ नॉट लाइकली दैट लेविट्रिसिटम मॉडिफाइज द सिनेप्टिक रिलीज ऑफ मतलब कम्प्लीटली मॉडिफाई नहीं करेगा, लेकिन ये है कि ये इसका जो वेसिकुलर का जो फंक्शन होगा उसको थोड़ी देर के लिए इनहिबिट करवा सकता है, मतलब उसकी प्रोटीन जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन को वो उसको मतलब उसकी एक्टिविटी को कम करेगा। इसमें यहाँ बताया हुआ है SV2A ये हमारी जो ग्लूटामेट का वेसिकल है उसके अराउंड जो वॉल है उसके अंदर जो है वो प्रोटीन है SV2A। अगर लेविट्रिसिटम हम ड्रग लेंगे तो वो SV2A के साथ जाके बाइंड करेगी जिसकी वजह से ग्लूटामेट का ज़्यादा रिलीज नहीं होगा और फिर गाबा भी एक्टिविटी शुरू करेगी जिसकी वजह से बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये है कि जो अगर हम ओरल एब्जॉर्प्शन लेविट्रिसिटम की जो है वो कंप्लीट है और ये रैपिड भी होती है और अगर हम इसके फूड के साथ भी लेंगे तो ये अनअफेक्टेड होगी और इसकी प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन है है 1.3 आवर्स तक है। इसकी काइनेटिक्स लीनियर है और प्रोटीन बाइंडिंग इसकी सिर्फ 10% है, मतलब बहुत थोड़ी अमाउंट में ये प्रोटीन के साथ बाइंड होगी और इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है 4-6 to 8 आवर्स तक है और ये लॉन्गर भी हो सकती है जो एल्डर पेशेंट होंगे। 2/3 ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड अनचेंज अगर और इसका 2/3 जो पार्ट है ड्रग का लेविट्रिसिटम का वो रिलीज हो जाता है यूरिन में अनचेंज फॉर्म में और इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो अभी तक अननोन है। सो दैट्स फॉर ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू हैव एंजॉयड इट एंड यू हैव ऑल्सो